फ्रेंड्स नमस्कार, मैं बड़े भैया, फाउंडर, टीचर, फ्रेंड एड विद्या मंदिर। दोस्तों, ये एक बड़ा इमरजेंसी सा एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप सबको मालूम ही है कि कोरोना वायरस ने वर्ल्ड में धूम मचा रखी है। कम से कम एक कोई मिस्टीरियस चीज़ आई जिसने वर्ल्ड को एक कर दिया है, और मुझे लगता है यही प्रूव कर दिया है कि वर्ल्ड इज़ फ्लैट। आपको मालूम ही होगा, बहुत साल पहले किताबें आई थी कि एक उसका था वर्ल्ड इज़ फ्लैट, तो ये प्रूव ही हो गया वर्ल्ड इज़ फ्लैट। ठीक है, कोई भी इससे अनटच रह नहीं गया। होता क्या है कि ऐसी सिचुएशन में जब कुछ क्राइसिस आता है वर्ल्ड में, तो एक ना फियर की लहर सी दौड़ जाती है, और लोगों के अंदर जो है ना, वो जो फियर है ना, वो उनको उनके मेंटल मेकअप पे चढ़ना शुरू हो जाता है। अब ये बच्चे से लेके बड़े तक की बात है। तो अब आप जो हो इस टाइम अपनी लाइफ के सबसे क्रूशियल एज के अंदर हो, क्योंकि आपके लिए ये फियर तो एग्जिस्ट करता ही है कि भाई ये पता नहीं ऐसा तो नहीं है यार, कितनी वीडियोस बन रही हैं, इतने लोग प्रवचन दे रहे हैं, व्हाट्सएप बिल्कुल एक्टिव हो गया है, यूट्यूब एक्टिव हो गया है, हर आदमी भाषण दे रहा है कोरोना वायरस के ऊपर। तो मैं इसलिए नहीं आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान ना देके हमें अपने आप पर फोकस करना चाहिए। हमें अपने आप पर फोकस करने का आपके लिए क्या है कि जैसा आपको मालूम है कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक डिसीज़न ले लिया है, दिल्ली गवर्नमेंट डिसीज़न ले लिया है कि हमें 31 तक अपना इंस्टीट्यूट बंद करना है, स्कूल सब बंद हो गए हैं। ठीक है, तो अब इस टाइम ऐसा ना हो कि आपका दिमाग ही बंद हो जाए, क्योंकि अब जैसे एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं ज़रूर इसका जिक्र करना चाहूँगा। ये न्यूज़ में भी आ रही है कि दिल्ली IIT 15 दिन के लिए बंद हो गया है, तो हॉस्टल में लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और इतने खुश हो रहे हैं, क्योंकि वो खुश इसलिए नहीं हो रहे हैं कि भाई कोरोना वायरस के लिए कोई हमें स्टेप लिया जा रहा है, इसलिए खुश हो रहे हैं कि छुट्टी हो गई है। तो इससे पता लग रहा है कि लोग कितने यंग लोग स्ट्रेस में हैं, उनको लग रहा है यार कहाँ पढ़ाई वढ़ाई से मुक्ति मिली और हम जाके मौज मस्ती करेंगे। ठीक है, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आई ऑल्सो बिलोंग टू दिल्ली IIT। तो ऐसा ना हो कि आप भी सब इन सब चक्कर में पड़ जाओ और फन लाइफ हो जाए। ये 15 दिन का जो ब्रेक मिला है, ये ब्रेक जो है आपका स्कूल से मिला है। पहली बार स्कूल नहीं होगा, कोई स्कूल के एग्ज़ाम नहीं होंगे, कोचिंग भी नहीं होंगी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, इस टाइम पहली बार आप थोड़े से इरिटेटिंग एनवायरनमेंट यानी अपने पेरेंट्स के साथ रहोगे, और दूसरा इरिटेटिंग एनवायरनमेंट अपनी बुक्स के साथ रहोगे। अब ये हंसी मजाक स्टाइल में कह रहा हूँ कि इरिटेटिंग जैसी चीज़ लग रही है, लेकिन ये वही चीज़ है। अगर आप इसने दो चीज़ क्रूशियल होती हैं लाइफ में, पेरेंट्स की ब्लेसिंग और पेरेंट्स की आपके प्रति फीलिंग कि आपका कोई मिशन है वो पूरा हो जाए, और दूसरा बुक्स यानी क्या सोर्स ऑफ नॉलेज। तो आप दो चीज़ के साथ हो नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। इन दोनों चीज़ से आप इरिटेट भी हो सकते हो, इन दोनों चीज़ का आप इस्तेमाल भी कर सकते हो। पेरेंट्स आपकी टेक केयर करेंगे, अच्छे से लविंग अफेक्शनेट रहेंगे, और बुक्स का यूज़ करना है आपको पढ़ाई में। तो इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करी है कि आप 15 दिन में, इतना इम्पॉर्टेंट पीरियड है, आप मस्ती में ना करो और आप इसको 10 से 12 घंटे लगा के पढ़ाई करो। ये कोई ब्लेसिंग डिस्गाइज हो गया है, क्योंकि आप सोचिए 15 दिन की छुट्टी ना होती तो आप कोचिंग में जा रहे होते, कभी स्कूल जा रहे होते, कोचिंग में 11 चल रहा होता, कहीं 12 चल रहा होता, स्कूल में 12 चल रहा होता, मंडे टेस्ट की खबर आ रही होती, तो ये हौच होता। तो अभी बिल्कुल शांति से आप बैठ के अपने घर में पढ़ाई कर सकते हो। अब मुझे मालूम है कि आप घर में अकेले 12 घंटे नहीं पढ़ सकते हो, तो हमने क्या सोचा आपके लिए, हमने सोचा कुछ वीडियो लेक्चर आपके लिए, रिवीजन लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड कर दें, और डेली बेसिस पे आपको नेक्स्ट मंडे से लेके 31 मार्च तक डे बाय डे बेसिस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के 3 लेक्चर्स हम आपके अकाउंट में डाल देंगे, जो अपना हमारा एक अनलिस्टेड यूट्यूब चैनल है उसमें ही होगा, जिससे आपको कोई स्ट्रीमिंग वगैरह में प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी बच्चे को प्रॉब्लम आएगी तो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें फ़ौरन हमें मतलब अपने सेंटर को कॉन्टैक्ट करेगा, हम उसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें जो। ठीक है जी, तो 10 से 12 घंटे का पढ़ाई का प्लान है, करीब 4 घंटे की वीडियो हमारी आपके सामने आ जाएगी, फिजिक्स की होगी, केमिस्ट्री की, मैथ्स की होगी, इसका पूरा शेड्यूल हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल चुके हैं। आपके सेंटर वाले लोगों को मैंने सबको बोल दिया है कि आपको मैसेज पहुँचा दें। मेरी इस वीडियो मैसेज के बाद भी मैं एक स्क्रीन पे वो जो 16 मार्च से 31 मार्च तक का सारा जो शेड्यूल है, किस दिन टॉपिक वाइज शेड्यूल बनाया है हमने आपका, वो आपके सामने यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है,
मकसद सारा ये था मेरे को एड्रेस करने का आपका, ठीक है। मेरा ये पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को देख लें और आप भी इंश्योर करें बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि क्या होता है कि जब चीज़ कोई सरप्लस में आ जाती है, जैसे कि 15 दिन आपके पास सरप्लस में आ गए हैं, तो उसकी चीज़ की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। हमारे इंडियंस का बहुत नेचर है, जो चीज़ हमें एक मिल जाए, ऑल ऑफ अ सडन मिल जाए, तो हम उसकी इंपॉर्टेंस नहीं करते हैं। तो 15 दिन जो हमें मिल गए हैं, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आवर्स जो है हमारे पास जो है, अगर हम इनको बहुत कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आपका सारा 11th कोर्स रिवाइज हो जाएगा। और जब आप 1 अप्रैल के बाद लौट के आओगे, जैसी जो उस टाइम सिचुएशन होगी कंट्री के अंदर, लौट के आओगे तो हम एक्सक्लूसिवली 12th क्लास के सिलेबस पे फोकस करेंगे। और बहुत ज़्यादा कोर्स होता है केमिस्ट्री और मैथ्स का, लकीली फिजिक्स का ज़्यादा कोर्स नहीं होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे इतनी क्लासेस हो जाएंगी, हफ्ते में 3 बार आओगे, समर वेकेशन में हम 4 बार लाने की कोशिश भी करेंगे, तो एक अलग लेवल का गेम हो जाएगा। उस टाइम पे आप 11th के टॉपिक रिवाइज नहीं कर सकते, बिलीव मी। तो इसलिए 15 दिन आपको बहुत कंस्ट्रक्टिवली, जुडिशियसली टाइम को यूज़ करके 15 दिन आपको बहुत क्रिएटिवली पढ़ाई करनी है। अब ऐसा नहीं है कि बैठ के आपने से प्रवचन सुन रहे हैं मेरा अभी, या अभी ये जो हमारे टीम है लर्निंग टीचरों की, उनका सबका वीडियो लेक्चर आपके सामने आएगा, अपना बैठ गए यूं करके टीवी पिक्चर की तरह सुन लिए। नहीं, पेन चलाना है आपको। अगर आपने कोई वीडियो देखी, अगर फॉर एग्जांपल स्टेट लाइन की वीडियो हुई या मैकेनिक्स की वीडियो डाली, तो आपको बैठ के सिलेक्टेड प्रॉब्लम भी आगे लेवल 2 के करने हैं, लेवल 2 के 1 के करने हैं, आपको पेन चलाना है। अगर आप 4 घंटे वीडियो लेक्चर हमारा देख रहे हो सबका, तो कम से कम 8 घंटे में आपको रिटर्न वर्क करना है। अभी 15 दिन में ये भी डिटरमिन करेगा आपकी सक्सेस के अंदर कितने पेज आप काले कर रहे हो। तो 4-1 घंटे हमारी वीडियो सुन ली, जो टॉपिक उसमें हो रहा है, ठीक है, उसके फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि खाली अपने मूवी की तरह देख लिए, अपने बैठे हैं, अपने आराम से चाय शाय चल रही है घर में और वीडियो लेक्चर चल रहा है, नहीं, समझ लो इस बात को जो है। तो आपको कंस्ट्रक्टिवली काम करना है, समझ आ गई आपको बात को, इसलिए वीडियो कर रहे हैं। और दूसरी मैं आपको बताता हूँ, इन जनरल ये बड़ा अच्छा मौका भी है लाइफ के अंदर, जब ऐसा पैंडेमिक हो गया है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब इस तरह की सिचुएशन वर्ल्ड में आती है, तो एक फियर की लहर दौड़ती है। तो फियर जो है ना, वो ज़्यादा बड़ी एक मेरे लिए एज ए विद्यामंदिर में, या एक्सपीरियंस में जो हूँ 32-33 साल का, जैसे शामन भैया कहते हैं 1/3 सेंचुरी का एक्सपीरियंस लेके हम आपके सामने आते हैं, जब मैं, शामन भैया, मुन्ना भैया, तो आप समझो कि मैं जानता हूँ कि जो सबसे बड़ा लॉस लाइफ में होता है ना, फियर से होता है। फियर क्या करता है, आपके अंदर जो है ना कुछ ऐसा केमिकल, मतलब जो करें साइकोलॉजिकल, पहले तो वो अफेक्ट करता है आपको, और फिर आपके बॉडी का केमिकल कंपोजिशन चेंज कर देता है। तो ये इसी तरह से हमारे एग्ज़ाम में भी सिचुएशन होती है बच्चे के सामने, कि जो बच्चा जो है, जो फेलियर का सबसे बड़ा कारण होता है ये हमारे जो कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर, बाद में जो रिजल्ट वगैरह आते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये नहीं होता कि बच्चा कैजुअल है, बच्चे की मेहनत कम है, ये तो होता ही नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत सिंसियर होते हैं, एनर्जी से भरे हुए होते हैं। सबसे बड़ा कारण जो फेलियर का होता है लाइफ में, किसी भी एग्ज़ाम में, अभी एग्ज़ाम कौन सा है, JEE का एग्ज़ाम होगा, चाहे मेंस का होने वाला है, एडवांस का होने वाला है, वो होता है फियर ऑफ फेलियर। इसी तरह से क्या हो गया है, अभी जो कोरोना वायरस फैल गया है, ये फियर ऑफ डेथ है। होता है क्या है, मैं आपको बताऊं कि जो फियर होता है, जो डेथ वाला फियर अभी जनरेट हो रहा है लोगों में, इतनी वीडियोस वगैरह हो रही हैं, इतना मैसेज हो रहा है ये, मतलब ठीक है, तो क्या करता है कि आपके ब्रेन में फियर घुस जाता है, ये आप समझना, ब्रेन में घुस जाता है, तो आपकी सारी एनर्जी ब्रेन में जाती है। तो उस टाइम पर क्या होता है, आपकी बॉडी वीक हो जाती है। जब आपकी बॉडी वीक हो जाती है ना आपका, तो आप किसी टाइप के भी बाहर के जो ये वायरस है, यानी इम्यूनिटी वीक होती बॉडी की, तो उससे क्या होता है कि फिजिकल इम्यूनिटी वीक हुई तो आप किसी भी खांसी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा। आप देख रहे हो आपके मौसम बड़ा इस टाइम नॉर्थ इंडिया में अजीब चल रहा है, दिन में भयंकर गर्मी होती है, सुबह शाम ठंड हो जाती है, राजस्थान में उधर है, उधर यूपी के अंदर है, उत्तराखंड में है, दिल्ली में भी मैं बोल रहा हूँ, शाम को ठंड होगी, छत पे घूम रहा था, जैकेट लानी पड़ी, तो आप समझ रहे हो ना। तो बॉडी जो है इम्यून वीक होने से क्या होती है, इट बिकम्स ससेप्टेबल टू द अटैक ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक वायरस जैसी चीज। तो हमेशा हम ये कहते हैं, अगर आप फियर नहीं, फुल नहीं होगे, आप थोड़ा जोश में होगे एनर्जी से, तो आपका ब्रेन रिलैक्स रहेगा, तो वो जो एनर्जी है आपकी बॉडी को स्ट्रेंथन करेगी। अब इसी चीज को आप सीखें कि जब एग्जाम आता है उसी टाइम भी क्या, तो मतलब मैं एनालॉजी ड्रॉ कर रहा हूं कि ये जो फियर ऑफ कोरोना वायरस, और सेम चीज होती है जब एग्जाम आसपास आता है, जो आपका अभी मार्च के एंड में आएगा, आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक में आएगा, फियर ऑफ जो JEE मेंस का सेकंड सेशन अप्रैल होगा, बाद में एडवांस का एग्जाम आएगा, इसी तरह का फियर आएगा, उससे क्या होगा, आपका साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी जो वीक होनी शुरू हो जाती है, वो यार अगर फेल हो गए तो क्या होगा, पेरेंट्स चिंता हो जाते हैं, यार तेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो चारों तरफ से स्कूल उस टाइम नहीं होगा, लक्की बात ही है, वरना एक और फैक्टर था
दिसंबर के अंदर याद करो, स्कूल भी थे, स्कूल के टीचर ड्रेस रख रहे थे, अब स्कूल से मुक्ति हो जाएगी अप्रैल में, लेकिन पेरेंट्स तो अपने हैं ही और हम तो खुद अपने सामने हैं। तो मैं कह रहा हूँ इट इज़ द टाइम ऑफ ग्रेट लर्निंग माई फ्रेंड्स, इससे बढ़िया टाइम नहीं आया। मैं तो ये सोचता हूँ कि ये कोरोना वायरस हो रहा है हमें वही याद दिला रहा है, इसी तरह से वीक होते हैं कोरोना वायरस से लोग, ही फिजिकल इम्यूनिटी वीक होती है और उसी टाइम पे क्या होता है एग्जाम टाइम पे हमारी एक साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी वीक हो जाती है, उस टाइम भी एनर्जी ब्रेन में जाती है यार फेल हो गए तो क्या होगा, पेरेंट्स भी कह रहे हैं फेल हो गए तो क्या होगा, बड़ा भाई कह रहा तेरा नहीं हो तो क्या होगा, तो एक घर में एक माहौल हो जाता है जिसे अभी एक अजीब तरह का माहौल हो गया है, अब उस टाइम माहौल हो जाएगा और इस टाइम डबल माहौल हो गया, पता थोड़ी ना अभी क्या होने वाला है इंडिया के अंदर जो है। अभी जो 31 मार्च तक अभी छुट्टी हुई है स्कूलों की, तो इट्स ए टाइम ऑफ ग्रेट लर्निंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे छोटे प्यारे बच्चों, पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इट इज़ टाइम टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग डिटरमिंड माइंड कि मैं किसी एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट नहीं होऊंगा, चाहे वो एक बीमारी कोरोना वायरस जैसी है, चाहे ये हाई मेरा क्या होगा, ठीक है जी, ये सब नहीं सोचूंगा। 11th का सिलेबस है, 12th का सिलेबस है, 12th के एग्जाम आ रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो उसके लिए क्या होता है कि माइंड को किसी अच्छी चीज़ें बिजी रख दो। तो अच्छी चीज़ बिजी के लिए क्या करा हमने, 4-5 घंटे की वीडियो होगी आपके लिए, 4.5 घंटे की, बाकी आपकी अपनी पढ़ाई होगी, आप शीट को देखोगे, हमने कुछ टेस्ट भी रख दिए आपके, MOTs हो रहा है, 2 हमने नए फुल टेस्ट रखे हैं, JEE Mains का टेस्ट भी, और एडवांस टेस्ट को हमने 15 डेज के लिए पोस्टपोन कर दिया है। तो आई होप माई मैसेज इज क्लियर टू everyone जो है, ठीक है जी, कोई बच्चा मायूस नहीं होगा, कोई बच्चा डरेगा नहीं, बेटर ये है कि आप थोड़ा मीडिया को बंद कर दो, TV को बंद कर दो, इंटरनेट पे जाना बंद कर दो, फेसबुक को बंद कर दो, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ विद्या मंदिर के एक्टिवेट रखो, हम कोई मैसेज देंगे, ठीक है जी, और हमारा जो वीडियो लेक्चर्स आपके सामने आएंगे, रिविजन लेक्चर आएंगे, उन पर फोकस करो। तो आई होप मैसेज इज वेरी क्रिस्टल एंड क्लियर, ठीक है जी, कि आपको बहुत खुश मिजाज रहना है, कोई इसमें मतलब मायूसी फीलिंग नहीं करनी है, हैप्पीनेस जितनी ज़्यादा होती है एनर्जी लेवल उतना ज़्यादा होता है, तो माइंड में भी हैप्पीनेस है, बॉडी में भी क्या स्ट्रेंथ है, तो सब काम अच्छे से चलेगा। इट्स ए पासिंग टाइम, वो किंग सोलोमन का पुराना एक शब्द आता है, डायलॉग आता है, ये समय भी बीत जाएगा, दिस टाइम शेल पास अवे, बट वी शुड यूज द टाइम वेरी जुडिशियसली एंड इंटेलिजेंटली। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड वॉचिंग दिस वीडियो मैसेज। मैं जैसे ही हटूंगा यहाँ पे तो आपके सामने हम अपना मैसेज डाल देंगे जो हमारा शेड्यूल है 16 से लेके 31 तक जो है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने जो है आपके लिए बिल्कुल 16 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक का पूरा प्लान बनाया है। आप इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हो, वैसे ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल चुके हैं, ठीक है, स्नैपशॉट ले लेंगे और इसको फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइज, टेक केयर, एन्जॉय द लाइफ इन ए रिसोर्ट कॉल्ड एज होम, सेल्फ क्वारंटाइन करें अपने आप को, खाने पे ध्यान दें, ठीक है, थोड़ा प्राणायाम करें, ठीक है, विटामिन सी खाएं, विटामिन डी लें, सिट्रस फ्रूट जूस वगैरह पिए, खाने का भी ख्याल रखें, मन का भी ख्याल रखें, और एक अच्छी सी बातचीत हो, कोरोना वायरस के बारे में बातचीत ना हो, कोई म्यूज़िक की बात हो और हेल्थ की बात हो। थैंक यू वेरी मच, विद्या मंदिर विशेष ए 15-डे जर्नी लिविंग इन ए रिसॉर्ट कॉल्ड एज योर होम, बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। We'll be right back.